आज की इस वीडियो के अंदर आपको बतलाने वाले हैं कि गूगल क्रोम ब्राउजर में टेक्स्ट स्केलिंग को कैसे घटाएं या बढ़ाएं, है ना। तो टेक्स्ट स्केलिंग को गूगल क्रोम ब्राउजर में बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से क्रोम ब्राउजर को आपको इस तरह से ओपन कर लेना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर कोने में थ्री डॉट देखने को मिलेगा, आपको सिंपली थ्री डॉट पर चले जाना है। इस पर आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे जाना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेटिंग वाला ऑप्शन, आपको सिंपली सेटिंग पर कर देना है क्लिक। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे चले जाना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको एक्सेसिबिलिटी, आपको सिंपली एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा टेक्स्ट स्केलिंग, यहाँ पर मैक्सिमम जो यहाँ पर साइज है यहाँ पर 200 तक आप बढ़ा सकते हैं, है ना, और यहाँ से घटा भी सकते हैं इस तरह से 50 तक, और यहाँ से मैक्सिमम जो साइज है यहाँ पर 200 बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हम यहाँ से 125 से आगे जाते हैं तो यहाँ पर जो फोर्स इनेबल जूम है यहाँ पर इनेबल हो जाएगी। देखे यहाँ पर 125% है, अभी इनेबल नहीं हुए। जैसे हम इससे आगे बढ़ते हैं 30 हो जाता है, तो यहाँ पर जो है इनेबल हो जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से आप टेक्स्ट स्केलिंग को आप यहाँ से गूगल क्रोम ब्राउजर में इस तरह से आप बढ़ा या छोटा कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके से, है ना। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर भाई अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।